जालंधर के सेंट्रल हलके से अकाली बसपा गठबंधन की सीट पर अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर बादल द्वारा दलित नेता चंदन गरेवाल का नाम ऐलान दिया गया है। इस घोषणा पर पार्टी नेताओं में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया ने इस पर अपनी दावेदारी जता दी है, जिसके चलते उन्होंने अपने साथियों सहित प्रेस क्लब जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दावा पेश किया। इस दौरान भाटिया ने कहा कि वो 2 बार डिप्टी मेयर और 5 बार काउंसलर रह चुके हैं और सेंट्रल क्षेत्र की लगातार सेवा की है। पार्टी ने उनकी सेवाओं और कुर्बानियों को नजरअंदाज किया है और एक जूनियर नेता को टिकट दे दी है। ये उनके साथ और सेंट्रल की जनता के साथ द्रोह है। उनका कहना है कि जनरल सीट देने की बजाय चंदन गरेवाल को कहीं और से टिकट दे सकते थे। अगर पार्टी ने उनकी ना सुनी तो वो और उनके साथी पार्टी के 42 ओहदेदार कोई और निर्णय ले सकते हैं। भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते रहे कि वो धमकी नहीं सिर्फ दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर उनके लहजे से साफ मालूम पड़ रहा था कि टिकट ना मिलने की सूरत में वो विद्रोह कर सकते हैं। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वो जिहड़ा हलका केंद्र दे विच मैं लगातार मेहनत कर रहा सीगा और 37 सालों तो पार्टी की सेवा कर रहा, बतौर सीनियर डिप्टी मेयर 2 बार सेवा की, बतौर 5 बारी कौंसलर सेवा कर रहे हैं, बतौर पार्टी के PAC मैंबर सेवा कर रहे हैं और 37 साल तो पार्टी के प्रति मेरी सेवावान मेरिया कुर्बानियाँ मेरी कारगुजारी सारियां अणगोले करके एक जूनियर बंदे जिदा हक नहीं बंदा सेंटर दे विच, क्योंकि सेंटर जिहड़ी जनरल सीट है और इस सीट ते नूं एक जनरल कैटागरी के बंदे नूं दे के मेरा भरा आ, मैं फिर दोहराना चाहना उन्होंने किधरे होर सत्कार दिता जाना चाहिए, मैं इस गल का हमायती हाँ और बधाई हाँ। लेकिन जिहड़ा मेरे नाल इनजस्टिस होया, अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि मेरे नाल इनजस्टिस होया, दूजा मुद्दा यह होया कि मेरिया कुर्बानियां नूं इग्नोर किया गया, तीजा यह भी शहरी वोटरां दे नाल धरो होया, चौथा मुद्दा यह भी जे पार्टी ए बारे पुनर्विचार नहीं करती तो अज जे मेरे 42 अहदेदार ने मैं अपनी अपनी अहदेदार चिट्ठिया वापस कीतियाँ, वो बारे मैं इन्होंने साथियों के बैठ के दोबारा विचार करूँगा।